से प्लेटफॉर्म नंबर 1 का रिमॉडलिंग चल रहा है अकबरपुर जंक्शन पे। तो अभी हम देखिए आगे साइड आ गए हैं जहाँ पर पुराने वाला पानी टंकी लगा हुआ था प्लेटफॉर्म पे, जो पानी उन्हें सप्लाई करता था। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट में। तो हम देखिए इस समय अकबरपुर जंक्शन के नए वाले फुटओवर ब्रिज पे खड़े हैं और पुराना वाला फुटओवर ब्रिज पूरा देखिए ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा तोड़ दिया गया है। तो उसका व्यू हम आप दिखाएंगे, जहाँ पे पुराना वाला फुटओवर ब्रिज था तो वहाँ का हम पूरा व्यू दिखाएंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो फिलहाल देखिए फुटओवर ब्रिज पे नए वाले फुटओवर ब्रिज खड़े हैं, पूरा देखिए LED लाइट यहाँ पर लग गया है। और काफ़ी दिनों बाद अकबरपुर जंक्शन का पुनः हम देखिए अपडेट लेने आए हैं। तो आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाइए, इस भाई पर बनाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और आज का जो अपडेट है अकबरपुर जंक्शन का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, एक लाइक करेंगे और एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज का अपडेट कैसा लगा आप सभी को अकबरपुर जंक्शन का। तो पल पल की अपडेट हम आप सभी को अकबरपुर जंक्शन का देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारी सब्जेक्ट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। तो बताना चाहेंगे साथियों, आप सामने देख पा रहे होंगे नई बिल्डिंग है अकबरपुर जंक्शन का। और देखिए इधर के साइड पूरा देखिए, पूरा अपडेट हम आप सभी दिखा रहे हैं बाहर की तरफ से। तो बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, पूरा अंत तक देखिएगा आज का अपडेट। फिलहाल देख पा रहे होंगे कि फ्रंट साइड का पूरा पेंटिंग हो रहा है, फिलहाल बैक साइड का स्टेशन के साइड का पेंटिंग हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। तो इस समय आप देख रहे होंगे वहाँ पर देखिए मजदूर लगे हुए हैं, पूरा पेंटिंग कर रहे हैं सेफ्टी के लगा के पूरा। तो नए बिल्डिंग का फ्रंट हिस्सा पूरा पेंटिंग हो रहा है काफ़ी ज़ोरों से, और आगे पुरानी जो बिल्डिंग है पूरा उसको ध्वस्त कर दिया गया है। हम थोड़ा जूम करके आपको यहीं से दिखाते हैं फुट ओवर ब्रिज के आगे। उसको ध्वस्त कर दिया गया है और रेलिंग देखिए पूरा लगा दिया गया आगे तक, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लास्ट एंड तक लगा दिया है। बीच बीच में गैप छोड़ा गया है यात्रियों को बाहर निकलने के लिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी बता दें, यहाँ पर 3-व्हीलर 2-व्हीलर और साइकिल की पार्किंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। और जो साइकिल की जो शुल्क है वो 5 रुपये है, गाड़ी की 10 रुपये है, 3-व्हीलर की 20 रुपये है। तो देख पा रहे हैं इधर नए, यहाँ पर कल लगता है कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, टेंट उंट लग रहे हैं। पानी टंकी के ठीक आगे पूरा सोफा पर लग रहा है, तो हमको लग रहा है कोई अधिकारी कार्य वाला होगा, कोई फंक्शन होने वाला है अकबरपुर जंक्शन पर। फिलहाल काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है नई बिल्डिंग का। तो चलिए हम आगे का सीन दिखाते हैं अकबरपुर जंक्शन के फ्रंट साइड, यानी जो पुराना बिल्डिंग था वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं आप सभी को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं काफ़ी ज़ोरों से, पूरा टेंट उंटा रखा गया, मेज आके रखा गया है, कुर्सी उर्सी आगे रखा गया है और आगे सोफ़ा लगा, VIP लोगों के आगे सोफ़ा लगा है। फिलहाल ये एंट्री पॉइंट है नई बिल्डिंग का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 आगे अभी बन रहा है, रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। यहाँ पे देखिए रेलिंग वो लगाया गया है, पट्टी उद्घाटन के लिए हमको लग रहा है कि कुछ है सिस्टम यहाँ पे। और अभी हम आगे चल के दिखाते हैं जहाँ पुरानी बिल्डिंग था उसके पास का नज़ारा दिखाते हैं। तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो काफ़ी डिमांड के बाद काफ़ी दिनों बाद आज हम पुनः देखिए अकबरपुर जंक्शन पर उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ का पूरा अमला अपडेट दिखाने वाले हैं आज आप सभी को। और थोड़ा दिक्कत हो गई थी इसलिए हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे थे, आप सभी को अपडेट नहीं दिखा पा रहे थे, और तो हम पुनः आज हम अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। तो अकबरपुर जंक्शन अपने आप में एक अद्भुत रूप में होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बता दें कि सामने जो पुराना बिल्डिंग हुआ करता था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अभी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था चालू हो चुकी है दिनांक 20 फरवरी से। और देखिए बाहर जाने का ये रास्ता है, थोड़ा थोड़ा
पूरा देखिए एग्जिट पॉइंट है, यहीं से एंट्री है, यहीं से एग्जिट है। और देखिए सामने भौरी चोखा काफ़ी यहाँ का फेमस है, जहाँ से हम नाश्ता करते हैं। पंडित जी हैं और काफ़ी दिनों से ठेला लगाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे देखिए सामने पार्किंग की सुविधा शुरू हो चुकी है, चालू हो चुकी है। और आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 का रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है, उसका हम व्यू हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा बाहर का व्यू हम आप सभी को दिखा रहे हैं। और ये देखिए पूरा बैठने के लिए बनाया गया है, पूरा जहाँ पे बरगद के पेड़ थे और जहाँ पे पाकड़ उकड़ पेड़ थे, जो उस पेड़ को काटा नहीं गया, उसके साइड साइड देखिए बैठने की व्यवस्था बनाया गया है। और अभी उधर से देखिए दीवार खड़ी करते हुए आ रहे हैं रेलवे की ओर से, जो आप देख रहे होंगे सीमेंटेड से पूरा दीवार खड़ी हो जाएगी, तो पूरा रेलवे के हिस्से में आ जाएगा ये। तो आगे नई बिल्डिंग का विकास कार्य चल रहा है, उसका व्यू हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। फिलहाल ये देखिए अनारक्षित टिकट घर है, अभी हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेके और अंदर प्रवेश करेंगे नियम के अनुसार, क्योंकि विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट की आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये तो रेलवे का नियम है, तो उससे हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। चलिए बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। फिलहाल देखिए हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग था वहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार का काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म को ऊँचा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को ऊँचा करने के देखिए कुछ प्रकार का, देखिए यहाँ पर ईंटा सीमेंट से पूरा देखिए दीवार खड़े हो रहे हैं, नए खड़े हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे JCB लगी हुई है, जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था देखिए तोड़ा जा रहा है किसी प्रकार का JCB के माध्यम से। और पूरा मलबा देखिए ट्रैक्टर में लोड होके आगे जा रहा है, और हमको लग रहा है भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बनाने के लिए तैयारी चल रही है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे चलेंगे, वहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे। फिलहाल देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 बढ़ाया गया है आगे, उसका तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। और देखिए साथियों उप निरीक्षण यहाँ का देखिए इंजन जाता हुआ, ये निरीक्षण के लिए देखिए पूरा जो डबल लाइन दोहरीकरण का जो कार्य चल रहा है उसके निरीक्षण के लिए पूरा इंजन काम करता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे सावधान का पुरस्कार का पूरा बैरिकेड किया गया है, पट्टी लगाया गया है। तो देखिए यहाँ से प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म होगा। देखिए अभी यहाँ पे अभी कॉपी नहीं लगाया गया, फिलहाल आगे तक देखिए कॉपी लग गया है, फिलहाल इधर कॉपी नहीं लगाया गया है। और पुराना प्लेटफॉर्म तोड़ा जाएगा, पुराना प्लेटफॉर्म तोड़ के देखिए ट्रैक बिछाया जाएगा, अभी ट्रैक का कोई काम नहीं हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और भाई हम आगे चल के दिखाते हैं क्या वर्क हो रहा है, क्या व्यू है, उसका व्यू दिखाते हैं आप सभी को। और कुछ प्रकार का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे अकबरपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड। और ये देखिए अयोध्या वाली लाइन है, अयोध्या वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, और अभी इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। फिलहाल अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड हैं, 1 पर हैं। और देखिए पूरा ये तैयार हो चुका है, लेटरिन बाथरूम जेंट्स एंड लेडीज। और सामने फ्लाईओवर है जैसा कि आप सब पता होगा। और बताना चाहेंगे अभी देखिए यहाँ पे मार्बल अभी लगा नहीं है, बैठने का स्थान जो बनाया गया है वहाँ पे मार्बल नहीं लगा है, टीन सेट लगा दिया गया है, काफ़ी बढ़िया देखिए डिजाइन के रूप में देखिए पूरा सांचा लगा हुआ है टीन सेट का। और देखिए इस तरफ भी दोनों तरफ बैठने के लिए व्यवस्था बनाए गए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था दिया गया है। और यहाँ पे भी देखिए अभी टीन सेट नहीं लगा है, यहाँ पे टीन सेट लगेगा जो आप देख रहे हैं, पिलर छोड़ा गया है। तो आगे अकबरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का इंड साइड है, यानी अयोध्या लाइन तरफ अभी हम हैं। तो देखिए अकबरपुर के लास्ट इंड में है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के, अयोध्या वाली लाइन के इंड में है। तो आगे देखिए मार्बल की कटिंग हो रही है, उसका भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए लिमिट टी ऑन ब्रिज 500 मीटर के आगे देखिए ब्रिज है, यहाँ पे शो कर रहा है, यानी अयोध्या वाले लाइन पे भी 500 मीटर की दूरी, अयोध्या लाइन की तरफ 500 मीटर है और इधर सागर वाले लाइन पे 1.5 से 2 किलोमीटर है। और कुछ प्रकार देखिए प्लेटफॉर्म यहाँ तक आएगा। तो ये अकबरपुर जंक्शन का नज़ारा है साथियों, जो अभी हम आप दिखा रहे हैं आज आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ देखिए कर्मचारियों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे साइड पर कर्मचारियों को रहने के लिए देखिए रूम बनाया जा रहा है, रहने के लिए स्थान बनाया जा रहा है। और यहाँ पर मार्बल कटिंग की मशीन है।
प्रकार देखिए मार्बल कटिंग की मशीन यहाँ पे लगा हुआ है और मार्बल कटिंग हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और कटिंग को यहाँ देखिए रखाया जा रहा है। तो बताना चाहेंगे बैठने के लिए मार्बल लगाया जा रहा है, जहाँ पे लोग बैठेंगे यात्री लोग, तो उस पर मार्बल लगेगा। तो इस प्रकार देखिए कटिंग हो रहा है, कटिंग मशीन है और यहाँ देखिए मार्बल काफ़ी संख्या में रखा हुआ है। साथियों बताना चाहेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के इंड साइड मार्बल कटिंग का काम चल रहा है, जिस पे बैठेंगे यात्री लोग, तो उस पे देखिए किया जा रहा है। तो चलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सागन साइड का व्यू दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कटिंग हो ही रहा है, चलिए हम आगे का पूरा व्यू दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे की साइड यानी सागन की साइड। और जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 को भी आगे बढ़ाया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 को आगे बढ़ाया गया है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी चलेंगे। फिलहाल भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हम आगे साइड दिखाते हैं, नई बिल्डिंग साइड का नज़ारा क्या हो रहा है वहाँ पे काम। देखिए जेसीबी के माध्यम देखिए जनरेटर जाता हुआ, तो आप देख पा रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जो पुरानी बिल्डिंग थी पूरा उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहाँ पर देखिए आगे से देखिए प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए ईंटें देखिए नीचे ईंटा से नए बनाया जा रहा है, पूरा ऊपर दीवार खड़े हैं, फिर कोपिन उस पर लगेगा, फिर प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे आरपीएफ द्वारा वहाँ पे चेकिंग हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की 20 साइड, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पूरा आरपीएफ वाले कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। और पूरा बैग देखिए बड़ी बड़ी ट्रॉली खुलवा रहे हैं यात्रियों से, और पूरा उनकी जांच चल रही है, पूरा देख रहे हैं खोल खोल के, और वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी चल रही है। पूरा देखिए मरबा हटाने का काम चल रहा है यहाँ पे जेसीबी के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के फुट ओवर ब्रिज की साइड। देखिए इस समय हम फुट ओवर ब्रिज पे खड़े हैं, फुट ओवर ब्रिज से हम आप सभी को दिखा रहे हैं व्यू। ठीक दाहिनी तरफ नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो पुराना प्लेटफॉर्म है उसका मलबा हटाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, और जेसीबी पूरी लगी हुई है, करीब 3 से 4 जेसीबी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मलबा हटाने के लिए, और वहाँ पे आगे प्लेटफॉर्म बढ़ाया जा रहा है। और पीछे का अभी हिस्सा दिखाते हैं सागन साइड का, सागन साइड का पूरा एकदम क्लियर हो चुका है मलबा हटा के। और बताना चाहेंगे साथियों देखिए जो नया वाला फुट ओवर ब्रिज है पूरा देखिए एलईडी लाइट उस पर लग चुका है, पूरा लाइटिंग पूरा इस पर लगा दी गई है पूरा फुट ओवर ब्रिज पर, और काफ़ी चौड़ा ये फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, काफ़ी लंबा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 को फिलहाल अभी जोड़ता है, तो नया वाला प्लेटफॉर्म अभी बन नहीं रहा है कोई प्लेटफॉर्म नंबर 4, और हमको लग रहा है भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी बनेगा, संभवतः 80% या 90% आशा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये नज़ारा है अकबरपुर जंक्शन से फुट ओवर ब्रिज से दिखा रहे हैं हम आप सभी को।
अभी हम फुटओवर ब्रिज के माध्यम से ही हम आप सभी को प्लेटफॉर्म नंबर एक का तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग था वहाँ पे देखिए उस प्रकार का पूरा देखिए कोपिन लगाते हुए पूरे आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अभी कोपिन लगा नहीं है, फिलहाल अभी कोपिन लगेगा। अभी देखिए सीमेंटेड से पूरा देखिए ईंटा और पूरा प्लास्टर करके पूरा उसको ऊँचा कर रहे हैं, दीवार की तरह पूरा ऊपर खड़ा कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोपिन लगेगा साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उधर जेसीबी लगी है पूरा मलबा हटा रहा है, इधर का पूरा देखिए मलबा अभी हटा नहीं है, इधर की मलबा हटाने का काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, काफ़ी देखिए गहरा कर दिया गया है। अभी सागंज साइड का हम आप सभी को दिखाते हैं, फुटओवर ब्रिज से उतर के अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर एक जो नया बिल्डिंग है उसके आगे साइड का पूरा तस्वीर दिखाएंगे। तो हमारे इस अपडेट में अपने आप सभी लोग बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको दो भागों में विभाजन कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे, तो पार्ट वन पार्ट टू में अकबरपुर जंक्शन का अपडेट आएगा। तो आप सभी लोग दोनों अपडेट को ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं नई बिल्डिंग के साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर एक से पीछे तरफ चलते हैं, वहाँ का पूरा तस्वीर दिखाते हैं आप सभी लोग को। बने रहिए इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए इस भाई पर। बताना चाहेंगे एकदम आगे देखिए रेलवे सुरक्षा बल का पोस्ट बना दिया गया है, स्थान दे दिया गया है और लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं अभी। इधर देखिए पूछताछ का बनाया गया स्थान, अभी देखते हैं कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, कृपया बोर्ड को न छुए, देखिए यहाँ पे इसके से लिखा गया है अगर बोर्ड छुएंगे तो मीटर जाएगा। और बताना चाहेंगे देखिए यहाँ पे पाइपलाइन आके रखा गई है जिसपे देखिए स्टेशनों पे गाड़ियों में भरने के लिए पैसेंजर गाड़ियों में पानी भरने के लिए व्यवस्था की जाती है, देखिए यहाँ पे आके रखा गया है। तो बीच में यहाँ पे लगेगा, जब ट्रैक लग जाएगा उसके बीच में दोनों ट्रैक के बीच में फिर लगेगा ये पाइपलाइन पूरा आगे तक बिछेगा। देखिए प्रतीक्षालय प्रथम श्रेणी का उधर है महिला का और प्रतीक्षालय द्वितीय श्रेणी अंदर है, और देखिए व्यवस्था है ये अंदर बैठने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे देखिए बोर्ड वोर्ड अभी यहाँ पे रखा गया है, ये बैठने के लिए स्टील का बनाया गया है कुछ इस प्रकार का, और पंखा चार लगे हुए हैं, दो इधर लगे हैं दो इधर लगे हैं, तभी पूरी तरह से चालू नहीं है, अंदर लैट्रिन बाथरूम चालू नहीं है। कोई लैट्रिन वैट्रिन चालू नहीं है क्योंकि लैट्रिन अभी ताला बंद है जैसा कि हमको पता चल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, देखिए दो विंडो भी लगाए गए हैं पीछे हवा हवा आने के लिए। तो चलिए हम आगे का भी दिखाते हैं आप सभी को, अकबरपुर जंक्शन की सागंज साइड का तस्वीर दिखाते हैं। उससे प्लेटफॉर्म नंबर एक का रिमॉडलिंग चल रहा है अकबरपुर जंक्शन पे। तो अभी हम देखिए आगे साइड आ गए हैं जहाँ पर पुराने वाला पानी टंकी लगा हुआ था प्लेटफॉर्म पे जो पानी उन्हें सप्लाई करता था, तो उस स्थान पे हम खड़े हैं उस जगह पर। तो आगे देखिए प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है, वहाँ तक अभी चलेंगे आगे तक। फिलहाल यहाँ पे पेंटिंग पूरा हो चुका है रेलिंग का, यहाँ पे देखिए पूरा स्लीपर रखा है इधर आगे लगने के लिए, आगे स्लीपर पूरा लगेगा, कोपिन लगेगा पूरा। तो इधर कार्यक्रम भी होना है, क्या कार्यक्रम होना कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल जेसीबी लगी हुई है पूरी रिमॉडलिंग कार में, यहाँ पे देखिए पूरा समथल हो चुका है, यहाँ पे पूरा देखिए एक ट्रैक बिछेगा यहाँ पे इधर, जहाँ तक हमको लग रहा है दो ट्रैक बिछेगा, फिलहाल अभी एक ट्रैक यहाँ बिछेगा ये प्लेटफॉर्म के लिए। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आप सभी को, बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए और पूरा अंत तक देखिएगा आप सभी लोग। और सामने देखिए पुराना वाला फुटओवर ब्रिज था, पूरा उसको तोड़ दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिख नहीं रहा होगा आपको, वो हटा दिया गया पूरी तरह से। तो ये है अकबरपुर जंक्शन का रिमॉडलिंग कार जो आप सभी की मांग आ रही थी। तो बताना चाहेंगे साथियों कि अभी अकबरपुर जंक्शन पे दो मित्र आए हुए थे, एक खालिद भाई थे उनके साथ एक और भी मित्र थे, तो उनसे थोड़ा मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों से उनकी मतलब कमेंट आ रहे थे मुलाकात के लिए, तो हम कमेंट मतलब उनका देख रहे थे लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे थे। फिलहाल आज अकबरपुर जंक्शन पहुँचते हैं, उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और देख पा रहे हो यहाँ पे अभी मार्बल लग चुके हैं बैठने के लिए स्थान पे, और इस जगह मार्बल नहीं लगा, अभी यहाँ पे मार्बल लगेगा। फिलहाल आगे कटिंग हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर एक के आगे साइड अयोध्या साइड,
एंड प्लेटफॉर्म नंबर एक के एंड पे। तो यहाँ पर इस प्रकार की सफाई वफाई अभी हुई नहीं है क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक चालू नहीं किया गया। और फिलहाल यहाँ पे देखिए दरगाह है, तो बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होता है। हजरत बाबा इकबाल शाह जी का ये दरगाह है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग यहाँ पे मन्नतें मांगने आते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर एक का हिस्सा है जो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मलबा था, तो उसको मलबा हटा दिया गया पूरा, देखिए इसको समथल कर दिया गया है पूरी तरह से। और यहाँ पे एक ट्रैक बिछेगा आगे, देखिए जेसीबी के माध्यम से पूरा मलबा हटाया जा रहा है। और अभी देखिए उस वाले ट्रैक पे मालगाड़ी आई है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर चार हम बोल दें, क्योंकि आने वाले भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर चार बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पे देखिए मलबा किया जा रहा है। तो हमको लग रहा है भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर चार बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार का बैठने की व्यवस्था, काफ़ी बढ़िया व्यवस्था किया गया है। तो अकबरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर एक है साथियों, और देखिए जगह जगह चैम्बर बनाया गया है जो आप देख पा रहे होंगे पानी की निकासी के लिए। ये देखिए चैम्बर कुछ प्रकार का है, और धूप इतनी तेज़ है तो बता नहीं सकते आप सभी को। अभी हम देखिए पैदल चल के टोंस रेलवे ब्रिज का अपडेट देने वाले हैं आप सभी को। फिलहाल देखिए यहाँ पे चालू नहीं किया गया है पानी पीने वाला स्थान, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर एक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको चालू नहीं किया गया है। तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर टोंस रेलवे ब्रिज का यहाँ से दूरी है, तो हम चलेंगे वहाँ तक, और टोंस रेलवे ब्रिज का जल्द आप सभी को अपडेट मिल जाएगा जो अकबरपुर जंक्शन के एक अपडेट के बाद, यानी पार्ट वन के बाद टोंस रेलवे ब्रिज का अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल देख रहे हैं आप लोग काफ़ी बढ़िया, देखिए ये टाइल्स लग के बनाया गया है, शौचालय अपने आप में एक अलग बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है साथियों। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया यहाँ पे लुक आ रही है, एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर देखिए शौचालय बनाया गया है। तो साथियों आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और जो पार्ट जो हमारा टू रहेगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, और 4 के साइड का रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए अकबरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा हम व्यू दिखाए, और नई बिल्डिंग का व्यू दिखाए, और प्लेटफॉर्म नंबर आगे के साइड का दिखाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बताना चाहेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे बॉक्स निकाला जा रहा है, पूरा बॉक्स निकाला जा रहा है अकबरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के इंड साइड, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे बॉक्स लगेगा, इस साइड बॉक्स लगेगा, यहाँ पे ट्रैक बिछेगा तो इसलिए बॉक्स को हटाया जा रहा है। तो ये अकबरपुर जंक्शन का इंड साइड है, यानी सागन साइड है, सागन साइड का इंड पॉइंट है। और देखिए पूरा बैरिकेड कर दिया गया पूरा वहाँ तक, पूरा पेंटिंग उंटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो धूप काफ़ी तेज़ है आज, और इस धूप में अपडेट अभी देखिए टोंस रेलवे ब्रिज तक जाएंगे। फिलहाल अभी मालगाड़ी आई हुई है, तो फिर क्रॉसिंग खुला हुआ है, तभी हम आगे तक चलेंगे, देखेंगे वहाँ पर पूरा।